तो नमस्कार, एक बार फिर से आप लोगों के सामने हाजिर है। एक दिलचस्प वीडियो है केकेआर को लेकर, दिलचस्प वीडियो है। देखिए, केकेआर को लेकर जब से सब चीज़ें साफ हुई हैं तो ऊपरी क्रम लगभग लगभग साफ है। हमने ऊपरी क्रम को लेकर वीडियो भी बना दिया कि केकेआर का क्या ऊपरी क्रम रहना चाहिए, ओपनर्स क्या रहने चाहिए, उसको लेकर एक खास वीडियो हमने अपने चैनल पर बनाई, आप जाकर देख सकते हैं। अब ऊपरी क्रम मतलब नंबर 4 तक लगभग लगभग साफ है। आप वेंकटेश अय्यर के साथ ओपनिंग कर सकते हैं, जगदीश सर उनके साथ हो सकते हैं, उसके बाद में नीतीश राणा होंगे और श्रेयस अय्यर होंगे। नंबर 4 जो है वो केकेआर का लगभग लगभग साफ है। अब उसके बाद में शुरू होता है कि केकेआर का मध्यम क्रम क्या होना चाहिए ताकि ये टीम मजबूत नजर आए, क्योंकि ऊपरी क्रम पर ये टीम इस बार संतुलित नजर आ रही है, मजबूत नजर आ रही है। अच्छे विकल्प केकेआर के पास ऊपरी क्रम पर है और ऐसा लगता है कि इस बार ऊपरी क्रम केकेआर का बहुत सॉलिड होने वाला है। लेकिन मध्यम क्रम क्या होगा, 5वां 6ठा 7वां ये 8वां, ये जो पोजिशन है इनमें कौन होना चाहिए, यह बहुत बड़ा सवाल है। तो आज अपनी इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे कि केकेआर का मिडिल ऑर्डर, बेस्ट मिडिल ऑर्डर, बेस्ट मतलब तूफानी मिडिल ऑर्डर क्या होना चाहिए जिसके बाद विपक्षी टीमें खौफ खाएं। तो मैं अपनी वीडियो में शुरू करता हूं, केकेआर का मिडिल ऑर्डर क्या होना चाहिए। जो मिडिल ऑर्डर में खेलने के लिए बल्लेबाज है वो मैं लिस्ट लेकर आया हूं, उसके बाद में शुरू करेंगे। नंबर 5, नंबर 6, नंबर 7, नंबर 8 ये जो बल्लेबाज होने हैं 4, ये 4 बल्लेबाज कौन होंगे। तो यहां पर देखिए, आंद्रे रसल एक है, उसके बाद में सुनील नरेन है, शार्दुल ठाकुर है, शाकिब उल हसन है, रिंकू सिंह है और डेविड विजे हैं, ये खिलाड़ी हैं। लेकिन अब यहां पर कौन कौन से खिलाड़ी होने चाहिए, मुझे ऐसा लगता है कि नंबर 4 तक हमारे पास बिल्कुल फिक्स है। नंबर 1 पर देखिए वेंकटेश अय्यर, वेंकी, उसके बाद में नंबर 2 पर मेरे हिसाब से जगदीशन शायद होंगे, नंबर 3 पर नीतीश राणा होंगे, नंबर 4 पर श्रेयस अय्यर होंगे। अब बात आते हैं नंबर 5 की, क्योंकि हम मिडिल ऑर्डर की बात कर रहे हैं। तो मिडिल ऑर्डर में नंबर 5 पर मुझे ऐसा लगता है सबसे बेहतर इस वक्त रिंकू सिंह है। रिंकू सिंह को नंबर 5 पर उतारिए, मेरे हिसाब से केकेआर के लिए सबसे बेहतर होगा। टच में है, बहुत गोल्डन टच है, शानदार फॉर्म में है, बेहतर शॉट खेलते हैं, पारी को बनाना जानते हैं, तेज गति से रन बनाना जानते हैं, विपक्षी टीमों के लिए आक्रामक है। और दूसरा प्लस पॉइंट क्या है, दूसरा प्लस पॉइंट यह है कि केकेआर के लिए लेफ्ट हैंडर बल्लेबाज ऊपरी क्रम पर मिल जाएगा। नीतीश राणा के बाद रिंकू सिंह आएंगे तो लेफ्ट राइट कॉम्बिनेशन बढ़िया बनेगा केकेआर का, क्योंकि श्रेयस अय्यर बीच में, फिर राइट हैंडर बल्लेबाज है। तो रिंकू सिंह को नंबर 5 पर लेफ्ट हैंडर बल्लेबाज के तौर पर उतारना केकेआर के लिए फायदेमंद साबित हो सकता है। उसके बाद में नंबर 6 पर मेरे हिसाब से, मुझे ऐसा लगता है कि नंबर 6 पर आपके पास देखिए बहुत सारे ऑप्शंस हैं। आप नंबर 6 पर आप शाकिब उल हसन का इस्तेमाल कर सकते हैं, क्योंकि शाकिब उल हसन सुलझे हुए बल्लेबाज है, बेहतर बल्लेबाज है। उसके बाद में नंबर 6 पर आप रसल का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। अब यहां पर यह देखने वाली बात होगी कि केकेआर विदेशी खिलाड़ियों को ऊपरी क्रम पर कितने खिला रहा है। यहां पर मैंने आप लोगों को पहले भी वीडियो में समझाया था, जब ओपनर की वीडियो हमने बनाई थी, कि ओपनर अगर आप वेंकटेश अय्यर और जगदीशन को खिलाएंगे तो आपके पास निचले क्रम पर विदेशी खिलाड़ियों को खिलाने का ऑप्शन बढ़ जाएगा। ये सबसे बड़ी बात है। ऊपरी क्रम पर वेंकटेश अय्यर और जगदीशन को खिलाने का फायदा यह होगा कि आप शाकिब उल हसन जैसे खिलाड़ी को खिला सकते हैं, जो गेंदबाजी से और बल्लेबाजी से दोनों से कमाल करेगा। और वैसे भी इस बार स्पिनर्स का बहुत बड़ा रोल होने वाला है, बहुत बोलबाला होने वाला है, इसलिए शाकिब उल हसन का किरदार बहुत अहम होने वाला है इस बार के आईपीएल में। इसलिए शाकिब उल हसन को मैं चाहता हूं कि यहां खेले। तो नंबर 6 पर मैं चाहता हूं कि शाकिब उल हसन आए, नंबर 4 मैं चाहता हूं कि यहां पर शाकिब उल हसन आए नंबर 6 पर बल्लेबाजी करने के लिए। और शाकिब उल हसन के बाद आप यहां पर उतारिएगा, नंबर 7 पर आप यहां पर रसल को उतारिएगा, मेरे हिसाब से बेहतर हो, क्योंकि रसल जो है ना वो बहुत अच्छे फिनिशर हैं, वो फिनिशर बहुत अच्छे हैं। अब सिचुएशन के आधार पर भी आप आंद्रे रसल का इस्तेमाल कर सकते हैं, अगर विकेट जल्दी गिर रहे हैं, ऊपरी क्रम के विकेट जल्दी गिर गए तो आप शाकिब उल हसन को उतारिए, क्योंकि वो सुलझे हुए बल्लेबाज है, पारी को बनाना जानते हैं, आगे तक ले जाएंगे। लेकिन अगर ऊपरी क्रम के विकेट जल्दी नहीं गिरे हैं, आपके पास विकेट है, तो आप आंद्रे रसल को प्रमोट कर सकते हैं, आंद्रे रसल को ऊपर भेज सकते हैं। तो यहां पर सिचुएशन के आधार पर यह फैसला केकेआर को लेना पड़ेगा, कप्तान श्रेयस अय्यर को लेना पड़ेगा कि सिचुएशन कैसी है। सिचुएशन के आधार पर आप श्रेयस अय्यर को ऊपर, आंद्रे रसल को ऊपर और नीचे कर सकते हैं। तो यह एक बल्लेबाजी हो गई। उसके बाद में यहां पर आप नंबर 7 के बाद में नंबर 8 पर फिर आप यहां पर खिला सकते हैं शार्दुल ठाकुर को।
शार्दुल ठाकुर, क्योंकि शार्दुल ठाकुर गेंदबाजी और बल्लेबाजी दोनों बेहतर कर सकते हैं, तो मेरे से, क्योंकि नरेन जो है ना वो गेंदबाजी तो बढ़िया कर रहे हैं लेकिन बल्लेबाजी का वो टच सुनील नरेन का नजर नहीं आ रहा है। मुझे मेरे हिसाब से शार्दुल ठाकुर शायद थोड़े से बेहतर मुझे नजर आ रहे हैं, तो यहां पर शार्दुल ठाकुर को मैं ऊपर रखना चाहूंगा। तो नंबर पांच पर रिंकू सिंह, नंबर छह पर शाकिब अल हसन मेरे हिसाब से, उसके बाद में रसल और शार्दुल ठाकुर, ये मेरे हिसाब से निचले क्रम के जो मध्यम क्रम इनका होगा केकेआर का, ये मध्यम क्रम होना चाहिए। यहां पर शाकिब अल हसन के जगह आप डेविड विजे को रख सकते हैं। आप लोगों से मैं पूछना चाहता हूं, आप लोगों का क्या मानना है, शाकिब अल हसन या डेविड विजे? आप में से आप कमेंट करके मुझे बताइएगा आप लोगों का क्या मानना है, दोनों में से आप कौन से खिलाड़ी को खिलाना चाहते हैं, शाकिब अल हसन या डेविड विजे? लेकिन क्योंकि स्पिनर्स को इस बार मदद मिलने वाली है, इसलिए मैं चाहता हूं कि शाकिब अल हसन जैसा एक विकेट टेकर और तजुर्बेकार स्पिनर केकेआर के खेमे में हो, इसलिए मैंने शाकिब अल हसन को यहां पर जगह दी है, क्योंकि स्पिनर्स को इस बार बहुत फायदा मिलने वाला है जिस तरीके से आईपीएल 2023 खेला जाएगा, तो इसलिए मैंने शाकिब अल हसन को यहां पर मौका दिया। तो रिंकू सिंह नंबर पांच पर मेरे, नंबर छह पर शाकिब अल हसन, वो कंडीशन के हिसाब से, फिर आंद्रे रसल और यहां पर शार्दुल ठाकुर, ये चार मेरे मध्यम क्रम के खिलाड़ी हैं केकेआर के। ऊपरी क्रम में पहले वेंकटेश अय्यर और जगदीश को रख चुका हूं, उसका फायदा आपको निचले क्रम पर विदेशी खिलाड़ियों के तौर पर होगा, और नीतीश राणा और श्रेयस अय्यर ये ऊपरी क्रम होगा। तो नंबर आठ आपका, नंबर आठ तक आप मजबूत हो चुके हैं, ये मेरे नंबर आठ तक के खिलाड़ी हैं। तो आपका केकेआर के इस मध्यम क्रम पर क्या मानना है, कौन से खिलाड़ी को आप पांच छह सात आठ इन चार पोजिशन पर रखना चाहते हैं, कमेंट करके जरूर बताइएगा। वीडियो अच्छी लगी तो लाइक और शेयर जरूर कर दीजिए, क्योंकि लगातार इस तरीके के दिलचस्प वीडियो हम आप लोगों तक पहुंचाते रहेंगे। थैंक यू वेरी मच।